हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग जो मिठाई बनाएंगे, इस मिठाई के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि मैंने पेड़ों का भोग लगा रखा है गणपति जी को। फ्रेंड्स, है तो ये पेड़े ही, लेकिन ये मावे के पेड़े नहीं है। ये पेड़े मैंने दूध को फाड़कर उसके पनीर से बनाकर तैयार किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें कौन सी नई बात है, पनीर के पेड़े तो हम भी बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मैंने पनीर के पेड़े बनाए हैं, ये नॉर्मल दूध के नहीं हैं। जब कोई गाय या भैंस किसी बच्चे को जन्म देती है और उसके जो पहले 3 दिन का दूध होता है, उस दूध से मैंने ये पेड़े तैयार किए हैं। इस दूध का यूज पीने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस दूध को उबालेंगे, ये दूध अपने आप फट जाएगा और इसके अंदर जो पनीर तैयार होगी, उस पनीर को देसी भाषा में खीस बोलते हैं फ्रेंड्स, और वैसे इसे खरबस भी बोलते हैं। ये खरबस की मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है, और साथ में ये बहुत ज़्यादा हैवी भी होती है। फ्रेंड्स, दिक्कत वाली बात ये है कि ये दूध हर कहीं पे अवेलेबल नहीं होता, जल्दी से हर किसी को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अब बातें तो बहुत हो गई, और बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। चलिए अब जल्दी से हमारे गणपति जी के लिए ये मिठाई बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने खरबस वाला दूध एक कढ़ाई में गैस पे उबलने के लिए रख दिया है, और आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना गाढ़ा दूध है। मैं जैसे ही इस दूध के अंदर चम्मच को डालकर बाहर निकाल रही हूँ, ये दूध अपने आप इस चम्मच के ऊपर चिपक रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो खरबस वाला दूध होता है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो अब हम लोग इसे फुल फ्लेम पे उबालेंगे। इसे उबालते टाइम एक बात का आप लोगों को ख़ास ध्यान रखना है, आप जो भी बर्तन लो ये दूध उबालने के लिए, आपका जो बर्तन हो वो मोटे साइज़ का होना चाहिए, यानी कि बर्तन का जो साइज है वो पूरा मोटा होना चाहिए। यदि आप लोगों ने पतले बर्तन में दूध उबालना शुरू कर दिया, तो ये दूध गाढ़ा होने की वजह से आपके बर्तन में नीचे चिपक जाएगा। जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, कई बार खीर लग जाती है नीचे बर्तन में, चिपक जाती है, तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। वैसे ही इस आपकी जो खरबस है, इसके अंदर भी स्मेल आने लग जाएगी और आप लोग इसे फिर खा नहीं सकोगे। तो फ्रेंड्स, अब एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को, आप लोग इसमें कोई चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं चलाओगे, आपको इसे ऐसे ही उबलने देना है। ये अपने आप उबलेगी तो इसमें जो हमारी खरबस बनेगी वो काफ़ी अच्छी खरबस बनकर तैयार होगी, और यदि हमने इसमें रेगुलर पलटा या कड़छी चलाई, कुछ भी चलाया, तो जो आपकी खरबस बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। इसमें अपने आप जो दूध फटेगा, उसी दूध से ही खरबस अच्छी बनकर तैयार होगी, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, हम लोग इस दूध के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, यही इस दूध की खासियत होती है कि इस दूध को ऐसे ही फाड़ा जाता है, ये अपने आप फटता है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए ये फटना शुरू हो चुका है, और मैं इसे थोड़ा चेक कर रही हूँ कि कहीं ये नीचे पैंदे में तो नहीं चिपक रहा। यदि ये पैंदे में चिपक गया तो इसके अंदर वही स्मेल आएगी, फिर इसका खाने में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। बस आप लोग धीरे से चेक कर सकते हो चम्मच से नीचे पैंदे में चला के, कहीं ये चिपक तो नहीं रहा नीचे पैंदे में। वैसे आप लोग इसे अपने आप ही उबलने दोगे। ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा जो दूध है ये फटना शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, हम ये जो मिठाई बनाएंगे आज, इस खरबस के अंदर हम लोग कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ओनली खरबस से ही मिठाई बनाने वाले हैं। बस थोड़ा सा शुगर पाउडर तो हमें डालना ही पड़ेगा मीठे के लिए, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालने वाले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पनीर है वो बनना शुरू हो चुका है कढ़ाई के अंदर, आप देख सकते हैं ये अपने आप उबल कर दूध फटा है। हमने इसमें ना ही तो कुछ डाला है और ना ही मैंने इसमें ज़्यादा चम्मच चलाया है। अब जब आपका दूध फट गया है, तब आप इसमें अपना चम्मच या पलटा चला सकते हैं।
ये भी आप लोगों को धीरे धीरे ही चलाना है, ये नहीं कि लिया पलटा और लग गए फटाफट घुमाने। फ्रेंड्स ऐसे तो आपके पनीर की पूरी रबड़ी बन जाएगी और बाद में आप लोग जो खरबस की मिठाई बनाओगे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि आपका जो पनीर है इसे लगातार चलाने से इसके अंदर पानी चला जाता है। यदि आप इसे फटने से पहले चलाओगे तब भी जब ये फटेगा तो पूरे में पानी चला जाएगा, और बाद में ही आप लोगों ने इसे लगातार चलाया तो इसमें पानी चला जाएगा, और पानी इसमें एक बार चला गया तो वो पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा और आपकी जो मिठाई बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह का पनीर रखना है आप लोगों को। ये देखिए इसमें कढ़ाई में पानी अलग हो चुका है और दूध फटकर जो पनीर बना है वो अलग हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग हमारी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पनीर को छानेंगे। छानने के लिए मैंने एक छलनी ली है, इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख दिया। इसमें मैंने पनीर को डाल लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, ठंडा पानी नहीं डालना ना ही गर्म डालना, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डालना है। ये पानी डाल के हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, इस कपड़े को उठाकर इसमें से इसका पानी निकाल देंगे। इस पनीर में से सारा पानी कैसे निकालूंगी ये आप लोग मेरी जो राजभोग और रसगुल्ले वाली वीडियो है वो वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में दे दूंगी। और फ्रेंड्स हम जब इसका पानी निकालेंगे तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर रखना है, जैसे हम लोग रसगुल्ले और राजभोग बनाते टाइम मॉइस्चर रखते हैं ना, वैसे इसमें थोड़ा मॉइस्चर रखना है और बाद में हमें इसे मैश कर लेना है। जैसे हम रसगुल्लों के लिए पनीर को मैश करते हैं वैसे ही इस पनीर को भी मैश कर लेना है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर। मैंने चीनी को घर पे ही मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लिया है। ये पाउडर मैं इस पनीर के अंदर डाल दूंगी और इसे फिर से अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। बस इसमें दाना नहीं रहना चाहिए, आपको इसे अच्छी तरह से मैश करना है और इसका पूरा पानी भी मत निकालना, इसमें हल्का मॉइस्चर रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मिठाई बिल्कुल सूखी सूखी बनेगी। अब मैंने इसे दे दी है सिलेंडर शेप, और इस शेप देने के बाद में मैं कटर की हेल्प से इसकी कटिंग कर लूँगी। मुझे जितने बड़े साइज के पेड़े बनाने हैं उतने बड़े साइज की मैं इसके अंदर कटिंग कर लूँगी, और ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों को भी इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में आप इसके पेड़े बनाओगे तो वो ज़्यादा आसानी से बनेंगे। अब फ्रेंड्स आप एक पीस उठाइए और अपनी हथेली और उंगलियों की हेल्प से इसे राउंड में घुमाइए जैसे मैं घुमा रही हूँ, और पेड़ा बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए बन गया ना हमारा खरबस का बहुत ही सुंदर पेड़ा। ये हमारी जो पेड़े हैं ये बिल्कुल ऐसे बने हैं जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं ना, वैसे ही ये भी स्पंजी बने हैं। फ्रेंड्स सच में ये स्पंजी बनते हैं, क्योंकि जो खीस बनकर तैयार होती है वो भी स्पंजी होती है, हमारा पनीर भी तो स्पंजी होता है ना। तो इसी तरह से हम लोग हमारे सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। पेड़े तो बनकर तैयार हो गए, चलिए अब हम हमारे गणपति जी को ले आते हैं। और ये हमारे गणपति जी भी आ चुके हैं। फ्रेंड्स मैंने इनको पेड़ों का भोग भी लगा दिया है। तो अब आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉय दिस वीडियो।